बुंदेलखंड झांसी समेत पूरे देश में 70वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। जनपद झांसी में भी सुबह से ही देशभक्ति के तराने सुनाई देने लगे। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने विद्यालयों में जाकर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान वे जोश में नजर आए। इतना ही नहीं, सरकारी भवन हो या गैर सरकारी, सभी जगह वंदे मातरम गान, राष्ट्रीय गान और ध्वजारोहण किया गया। इसके अलावा मिठाई वितरण कार्यक्रम भी हुआ। आज का सबसे बड़ा आयोजन झांसी के इंस्टीट्यूट मैदान में हुआ। यहाँ मंडल रेल प्रबंधन अशोक कुमार मिश्र ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और साथ ही अपने मुख्य वक्तव्य में झांसी मंडल यात्रियों को अधिक सुविधाएं देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन सब के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। इस कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक सहित झांसी मंडल के आला अधिकारी मौजूद थे। आज के इस पावन पर्व जो 70वां हमारा गणतंत्र दिवस है, उस पर मैं सभी झांसी के सम्मानित नागरिकों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बधाई देता हूं और यह सबको एक बार फिर से वचन देता हूं कि भारतीय रेल और झांसी मंडल उनको बेहतरीन सेवाएं देने के लिए कृतिबद्ध है, कृतिसंकल्प है और हम लोग आगे आने वाले वर्ष में और अधिक इनमें इजाफा करेंगे और संरक्षा और सुरक्षा से इस कार्य को करेंगे। मेरा सबसे अनुरोध है कि इस अवसर पर एक स्वच्छता का संकल्प भी लें ताकि हम अपने देश को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद। हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो रेलवे महिला कल्याण संगठन है उसके द्वारा चलाए जा रहे तीनों स्कूलों तथा औद्योगिक क्षेत्र में चलाए जा रहे स्कूल के बच्चों द्वारा बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, देशभक्ति से भरे हुए कार्यक्रम किए गए, जिसे सभी ने बड़ा एंजॉय किया और बच्चे इतने देशभक्ति से भरे हैं तो आगे चल के देश के बहुत बड़े। झांसी से ये थी मोहम्मद शहजाद खान की खास रिपोर्ट।